No one is perfect. That's why pencils have erasers. पेंसिल हम सबके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज जब हम फर्स्ट टाइम बुक पर लिखते हैं तो वो पेंसिल ही होता है जिससे हम अपना फर्स्ट वर्ड लिखते हैं। इसलिए पेंसिल के साथ हम सबकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती है। एक पेंसिल ऐसा भी आता है जिसके ऊपर एक इरेजर लगा हुआ होता है, तो वो इरेजर इसलिए होता है कि अगर आप लिखते समय कोई गलती करो तो उसे यूज़ करके इमीडिएटली अपनी गलती को इरेज करके फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। लाइफ भी ऐसा ही होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलती करके ही सीखते हैं, गलती करके हमें एक्सपीरियंस मिलता है इनफैक्ट, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके वी कैन रीच नियर परफेक्शन। सो इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, यूज़ अ इरेजर, क्लियर इट एंड स्टार्ट फ्रेश वंस अगेन। That's how you can get success in your life. So always remember this. इस ज्ञान के बाद hello and welcome back to the channel. My name is Ashish. I hope आप सब safe है। आज बहुत दिन के बाद मैंने news देखा तो news में दिखा रहे थे कि जो महाराष्ट्र में covid का cases का count है वो कम हो चुका है, तो I guess बहुत time के बाद news में कुछ अच्छा दिखाया उन्होंने। I hope ऐसे ही पूरे India का जो कोविड केसेस का काउंट है वो कम हो जाए ताकि हम सब फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। बिकॉज आप और मैं तो लकी हैं कि हम घर पे बैठ के हमें दो टाइम का खाना मिल रहा है, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर। सो उनके स्ट्रगल को डेफिनेटली एंड होना चाहिए इस कोरोना केसेस के एंड के साथ, और तब तक आप और मैं हमसे जितना बन सके उनको हेल्प करना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात याद रखिए हमेशा कि सब जब आप किसी को हेल्प करते हो तो अपने कैमरा को अपने पास ही रखिए, उसे ओपन मत कीजिए। टाइम हो चुका है 2:21 और अभी अब मैंने अपना लंच तो कर लिया है, तो अभी देखता हूँ आगे क्या करना है करके। वैसे तो कुछ करूँगा नहीं, बस आराम करूँगा। प्रिडिक्शन तो रेनफॉल का है बिकॉज ऑफ साइक्लोन, और बाहर का क्लाइमेट देख के हेजी लग रहा है पूरा, कल की तरह ही है। तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा बारिश आने वाला है या नहीं, तो वेट करके देखते हैं। आज का प्लान वैसे इंडियन पिज़्ज़ा बनाने का है देसी स्टाइल में, उसके लिए मैंने जो पिज़्ज़ा बेस होता है वो भी लेकर आ गया हूँ। तो थोड़ी देर में देखते हैं, शाम होते ही पिज़्ज़ा बनाऊँगा और क्या उसे खाऊँगा। सो जल्दी मिलते हैं हम। हेलो एंड वेलकम बैक। आफ्टरनून में आपसे बात करने के बाद मैं मस्त में सो गया, उठा तब तक शाम हो गया था। तो शाम को मैंने MotoGP का रेस देखा, देन पिज़्ज़ा बनाया, एंड देन फाइनली मैंने राधे देख ली। यस, राधे देख लिया, और सच बोलूँ मैं तो राधे इज़ नॉट बैड जितना लोग कह रहे हैं। इट इज़ अ नाइस मूवी। अगर आपको तेलुगु टाइप एक्शन मूवीज पसंद है तो डेफिनेटली राधे इज़ अ मस्ट वॉच, क्योंकि मैंने Race 3 देखा है एंड Race 3 नो डाउट वो एक बुरी मूवी थी, बट राधे इज़ फार बेटर देन Race 3। सो
आई वुड से राधे इज़ अ वन टाइम वॉच मूवी डेफिनेटली, बट इट्स वर्थ अ वॉच. और राधे देखने के बाद मैं अपने होश और आवाज़ में हूँ, इससे बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए. सो डेफिनेटली अगर आपको चांस मिले तो राधे मूवी देख लीजिए. आई होप आपका डिनर हो गया, बिकॉज मेरा भी डिनर हो चुका है और अभी इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है. कल से आप चैनल पे कुछ अलग टाइप के वीडियोस देखेंगे. अगर आपको पसंद आए तो हमें श्योरली कमेंट करके बता दीजिए. तो कल मिलेंगे, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एडिट करूँगा और अपलोड कर दूँगा और आपसे कल मुलाकात होगी. तब तक आप हंसते रहिए, सेफ रहिए. मे द मिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल. थैंक यू एंड सी यू सून. राधे मूवी प्रमोट करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, जो अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो मूवी अच्छा है. अगर आपको देखना है तो श्योरली देख लीजिए, नहीं देखना है तो इट्स ओके. बट हम जो है कल ज़रूर मिलेंगे.